Hello friends, welcome back to my channel. This is CS Neha Patel, and yes guys, you read the title right. Maine one of the big fours mein interview diya hai, which is PwC. You might be knowing na big four kya hai, KPMG, Deloitte, PwC, EY, and isme se maine PwC mein interview diya hai. And you know guys, main aisa 12th standard mein thi, jab CS mein thi tab sochti thi ki wow yaar, big four matlab kitna acha company hai, kitna acha firm hai. But now I have really got an opportunity जहाँ पे मैंने यहाँ पे interview दिया है, and ये interview ना मेरा 1.5 hours, मतलब 1.5 hour का चला था, उससे भी ज़्यादा actual में. और बहुत बहुत सही questions पूछे थे, बहुत technical questions पूछे थे. ये मैं interview नहीं बोलूँगी, मैं ऐसा बोलूँगी कि एक learning session था, क्योंकि अलग level के questions पूछे गए थे यहाँ पे. वो लोग इसको technical round बोलते हैं, एंड इसके बाद एक और राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, उसके बाद एक थर्ड राउंड होता है, एंड फिर फाइनल सिलेक्शन होता है. सो मैंने यहाँ पे दिया था, एंड टाटा स्टील में भी मैंने इंटरव्यू दिया था. ये सब मैंने सीएस प्रेशर जब मैं जॉब ढूंढ रही थी तब इंटरव्यू दिए थे, एंड मुझे ये सब आप लोगों के साथ बहुत टाइम से शेयर करना था, बट सही मौका मिल ही नहीं रहा था. सो अभी ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस इन वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स, टाटा स्टील, और भी बहुत सारी कंपनीज मैंने दिए हुए थे. क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सब बताने वाली हूँ. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू आर, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी फ्रेशर सीएस के लिए इंटरव्यू देने वाले हो, क्या पता आपको बिग फोर में इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो ये वीडियो जरूर देखना. बट सबसे पहले मैं सब CSEET स्टूडेंट्स जो भी जैन में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए न्यूज लाई हूँ, गुड न्यूज लाई हूँ, जहाँ पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है एड गेम्स, वहां पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो CSEET के लिए. स्टार्टिंग कैप तो आपके लिए फ्री रहेगा, और उसके बाद आपको बस ₹50 देने हैं फॉर 1 month, जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा आप अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बस आपको क्या करना है, आपको एड गेम्स वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रही हूँ. आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, क्विजेस खेलने है, और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे अच्छी चीज है, वो है फेस ऑफ. आप फेस ऑफ कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको दोस्तों के साथ फेस ऑफ नहीं करना है तो इसका वेबसाइट अपने आप एक यूजर के साथ आपको कनेक्ट कर देगा, जिसके साथ आप फेस ऑफ कर सकते हो. फेस ऑफ मतलब आप फेस टू फेस कॉम्पिटिशन लगा सकते हो अपने कोर्स को लेके, और अपने आप को जज कर सकते हो कि वेयर डू यू स्टैंड. सो एज यू ऑल नो, बस एक ही महीना बचा हुआ है CSEET जैन अटेम्प्ट के लिए, और आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो क्लिक द लिंक मिले जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ, और अपने आप को रजिस्टर करो और अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करो. सो गाइस, सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, वो ये था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. हम क्या करते हैं ना, एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर पे ये सब भूल ही जाते हैं. एंड यार, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये एकदम ट्रू है इंटरव्यू के केस में. आपसे पहली बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उसी तरीके से इंटरव्यूअर आपका नेक्स्ट स्टेप लेगा. मैं मेरा बताऊँ एग्जाम्पल, मैं कैसे इंट्रोड्यूस करती थी, तो मैं ऐसे बोलती थी कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माई सेल्फ नेहा पटेल, आई हैव स्टार्टेड आउट माई करियर वर्किंग विद टाटा कैपिटल लिमिटेड आफ्टर कंप्लीटिंग माई CS डिग्री इन द ईयर 2020 विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 cities. राइट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग माई LLB, एंड आई एम इन माई सेकंड ईयर ऑफ इट. आई एम डूइंग इट फ्रॉम सिद्धार्थ कॉलेज. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, दैट इज BCom, इन द ईयर 2020 विद अ 9.26 CGPA फ्रॉम सिडनम कॉलेज. इस तरीके से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी, क्योंकि तभी तो मैं फ्रेशर CS का ढूंढ रही थी, इसलिए सिर्फ टाटा कैपिटल का एक्सपीरियंस था मेरे पास. सो इस तरीके से आपको भी कुछ एक प्रोफोमा सिलेक्ट करके रखना है, जिससे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, क्योंकि ये हर एक चीज में पूछा जाएगा. तो आपको प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे. सो दिस वॉज द बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन जो सब जगह पूछा जाता है. सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे एज अ फ्रेशर CS पूछा गया था, वो ये था कि टेल मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब कि आपने पास्ट कंपनी में क्या क्या सीखा वो बताओ. ठीक है, ये फ्रेशर CS का है, इसलिए हमको इंटर्नशिप के टाइम पे जो जो सीखते हैं वो पूछा जाता है. सो इसमें तो आपको एकदम अच्छे से कि आपने क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया, ये सब बताना पड़ता है. क्योंकि यार, भले आप AIR 1 भी क्यों ना हो, बट जब तक आप उस सामने वाले को, इंटरव्यूअर को ये नहीं बताओगे कि नो आई हैव डिड समथिंग प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है. एंड मानो ये मेरी बात, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है. ठीक है, ऑल्दो मुझे 3 studies पर रैंक आया है, बट फिर भी कई सारे कंपनीज को ऐसा लगता था कि तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है. ऐसा कई सारे कंपनीज को लगा था, और कई सारे कंपनीज को लगा था कि वाह बहुत अच्छा एक्सपोजर है.
तो डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट आप एक काम कर सकते हो, आप आपका रेज्यूमे में एकदम एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दो कि आपने क्या क्या सीखा पास्ट कंपनी. सो ये दो तो यार एकदम बेसिक चीज है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड टेल मी अबाउट योर पास्ट कंपनी एक्सपीरियंसेस. ये भी पूछते अगर आपने कोई जॉब छोड़ा होगा तो ये भी पूछते दैट व्हाई डिड यू लेफ्ट द जॉब. सो ये तो एकदम बेसिक हो गया. जो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से आपका ग्रिलिंग स्टार्ट होता है. ग्रिलिंग मतलब यहाँ से आपको एकदम वो लोग पूछेंगे कि भाई क्या, एकदम टेक्निकल राउंड स्टार्ट होगा इन द कॉमन सेंस में बोलूँ तो. क्योंकि पीडब्ल्यूसी में तो मेरे को स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन पूछे, आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है चलो, बट उसके बाद से एकदम टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुआ. एंड जो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में से जो मुझे लगता है जो सब में पूछा गया था, वो था रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन. ये मुझे हर एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन के बारे में बताओ, क्योंकि मैं कंपनीज में काम कर चुकी हूँ और रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अनअवॉइडेबल है. ठीक है, कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं है कि रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है. सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसका सेक्शन क्या है, 188. ये आपके एग्जाम्स में भी जरूर आएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है. इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं पता है, इंटरव्यू ने मुझसे क्या क्या पूछा था, हु इज रिलेटेड पार्टी, व्हाट इज रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, ऑडिट कमेटी का क्या रोल है रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन में, ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है, और LODR और कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन का क्या डिफरेंस है. तो ये एकदम एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है जो मुझे हर एक जगह से इंटरव्यू में पूछा गया था. बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे सब में, जिस ठीक है जहां पे भी मैंने इंटरव्यू दिया फ्रेशर CS के लिए, वो सब में पूछा गया था, वो ये था डिविडेंड डिक्लेरेशन का प्रोविजन. क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उसका क्या प्रोविजन है ये बोला गया था. तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे बोलती थी, सेक्शन 123 टू सेक्शन 127 डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. और आपको पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है उसका क्या प्रोविजन है. यू नो ना, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 5 days में आपको डिविडेंड एक डिफरेंट स्केड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ता है. जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 30 days में आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है. अगर कंपनी ने डिविडेंड 30 days में पे नहीं किया तो विदिन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ता है जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट. और 7 days में भी पे नहीं हुआ तो विदिन 7 years में वो ट्रांसफर हो जाएगा IEPF में, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. सो ये कुछ कॉमन रूल्स है, प्रोविजन्स है कंपनीज एक्ट का रिलेटेड टू डिविडेंड डिक्लेरेशन. तो ये तो हर एक कंपनी में पूछा जाता है, मुझे हर एक इंटरव्यू में पूछा गया था, पता नहीं आएगा ये उन लोगों का फेवरेट टॉपिक है. और फिफ्थ जो मेरा फेवरेट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्योंकि इफ यू आर अ CS, ठीक है, आप आगे जाके CS बनोगे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल मस्ट नो, क्योंकि हम वही तो हैंडल करते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या आता है, बोर्ड मीटिंग एक कंपनी में कितने बार होनी चाहिए, एक साल में कितने बार होनी चाहिए, एक कंपनी में कौन सी और कितनी कितनी कमिटीज होनी चाहिए, कमिटीज मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए, और कमिटी का कंपोजिशन क्या होता है. अगर आप रिसेंट देखोगे तो सेबेल और LODR ने एकदम अलग अलग अमेंडमेंट्स निकाले हुए कमिटीज को लेके, कमिटी के कंपोजिशन को लेके, कमिटी के मीटिंग्स को लेके. सो एक वो लोग ये भी पूछते कि भाई तुम डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स बताओ, लेटेस्ट अमेंडमेंट बताओ कि क्या क्या पूछा गया है. मैं आपको बताऊं तो मुझे तो ये पूछा गया था कि मेरे को एक केस स्टडी दिया था जिसमें बोला था कि एक कंपनी है XYZ और उसको AGM रखना है. उस सबसे पहले तो मुझे पूछा कि तुम AGM का टाइमलाइन बताओ कि AGM एक साल में कब होना चाहिए. तो मैंने वो बता दिया कि दो मीटिंग के बीच में 15 months का गैप अलाउड है, विदिन 6 months में होना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, वो सब मुझे लगा ठीक है. बट उसके बाद उसने मेरे को बोला कि चलो समझो वो विदिन प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं कर पाए कंपनी मीटिंग AGM, तो क्या करें. मैंने बोला ठीक है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो. तो उन्होंने मुझे बोला कि एक्सटेंशन का प्रोसीजर बताओ. सो आई सेड फॉर्म GNL-1 फाइल करो एंड ROC से अप्रूवल ले लो. तो उन्होंने बोला ठीक है, ROC ने अप्रूवल नहीं दिया, अब क्या करें. तो ये ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, तुम आंसर दोगे वो लोग दूसरा सिचुएशन बनाएंगे. सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस. ठीक है, इंटर्नशिप का जो इंटरव्यू होता है ना, आर्टिकलशिप का इंटरव्यू, वो क्या होता है, वो सिर्फ आपका थियोरिटिकल नॉलेज चेक करता है. बट जैसे ही आप फ्रेशर CS बनते हो, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग एक प्रैक्टिकल वर्जन भी दिखाओ उनको. उन्होंने आपसे रिलेटेड पार्टीज पूछा, आपने सिर्फ बुक का डेफिनेशन दे दिया, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट सिलेक्टेड. ठीक है, बिकॉज ये तो एक आर्टिकल भी दे देगा उनको, एक इंटर्न भी दे देगा. आपसे वो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मांग रहे हैं कि भाई आपने क्या सीखा और
इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है? और पता है बिग फोर में तो मुझे जैसे मेरा स्टार्टिंग का दो क्वेश्चन हुआ विच वॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड पास्ट कंपनी में आपने क्या क्या सीखा, उसके बाद मेरे को पूछा कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा है, तो आई वॉज लाइक कि ऐसा कुछ सेक्शन तो नहीं है बट मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट बड़ा पसंद है। और यहाँ मैं फंस गई क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे जो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, जो केस स्टडीज घुमा के पूछे, एंड इट इज़ वेरी ट्रू, बिग फोर का इंटरव्यू वॉज द टफेस्ट वन आई वुड से, जो मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए उनमें से टफेस्ट वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक्ट अपने सामने रखो चलेगा, मुझे इंटरप्रिटेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि ये चीज़ तुम कहाँ से ढूंढ के ला के दोगे, बिकॉज क्लाइंट का तो तुम्हारे पास आता है तो तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या देखना है। तो ये इंटरव्यू सबसे इंटरेस्टिंग था और एक से एक केस स्टडी पूछे जा रहे थे। यार आप इस ना 1.5 hours का वो इंटरव्यू चला था तो एकदम टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो यस, एट द एंड मैं इतना ही बोलूंगी, अगर कल तो आपको भी बिग फोर में इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो बी वेल प्रिपेयर्ड गाइस, बिकॉज वो लोग आपसे एकदम इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। एंड ये मैंने ही नहीं, आपको पता होगा मेरा फ्रेंड दक्ष, उसने भी बिग फोर में इंटरव्यू दिया हुआ था ENY में, और मेरे दूसरे भी फ्रेंड्स जिन्होंने दिया हुआ था उन सबका सेम ही वर्डिंग्स था कि यार बिग फोर का इंटरव्यू तो बहुत ही इन डेप्थ होता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर, हर एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैंने आपको थोड़े बहुत सेक्शन से पहले ही बता दिए, इनमें वो लोग मेजर फोकस करेंगे। एक और एडवाइस मैं आप सबको दूंगी कि हमेशा प्रिपेयर कर लो कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा होगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने टाटा कैपिटल में इंटरव्यू दिया था फॉर माय इंटर्नशिप, तभी मुझसे पूछा गया था कि तुम्हारा फेवरेट सेक्शन कौन सा है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा बहुत पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा कौन सा है, उस पर हम तुमको ड्रिल करेंगे। सो यस, अपना एक फेवरेट सेक्शन बना के रखो और वो एकदम अच्छे से पढ़ो ताकि वो लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर पाओ। मुझे इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ ताकि आप वो भी देख लो। और अगर आप कोई हो जो फ्रेशर CS के लिए इंटरव्यू भी देने वाला है या फिर आर्टिकलशिप के लिए भी देने वाला है तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। और मैं रिसेंटली अब एक वीडियो भी बनाऊंगी बहुत ही जल्द, जिसमें मैं बताऊंगी कि मुझे इतने अच्छे अच्छे कंपनी से कॉल कैसे आया, मैंने कौन से स्ट्रेटेजीज आजमाए, मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था। सो स्टे अपडेटेड, बाय, बेस्ट ऑफ लक।